तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है बनारस की गलियां। हम बनारस में हैं और ये हमारा दूसरा दिन है। सुबह सुबह हम उठे, फ्रेश होकर अब हम निकल पड़े हैं सारनाथ के दर्शन करने। सारनाथ में बुद्ध भगवान के विहारा हैं, रुइंस हैं, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। बेसिकली वो सारनाथ रुइंस हैं और अशोका स्तंभ जो है वहाँ, जो हमारे देश का नेशनल एम्बलम भी है, वहीं से मिला था। तो हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। लेट्स गो। ये तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है, उतारना पड़ेगा ना। जो मेन जो यहाँ पे है ना, वो बस वही है, वो पिलर है। पिलर पूछ लेते कहाँ है गार्ड जी से। अशोका का जो पिलर है वो किधर है, जिस पे शेर बाग बना हुआ है? वो देखिए स्तूप दिखा रहे, वो स्तूप कहाँ बाहर, वो स्तूप है ना ये वाला? हाँ नहीं, बाहर बाहर वो बाहर। अच्छा हाँ 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 देखे ना, हाँ गेट के बाहर मेन सारनाथ वही है। अच्छा मेन वो है। हाँ, इधर नया मंदिर है ना, वो नया है। हाँ 2011 बना है, पुराना वो है। ओ तो उसके लिए कितना दूर है वो? रास्ता के बाहर जाइए, दूर नहीं है, ऐसे पत्थर का रास्ता है उसमें जाइए। अच्छा बाहर से है ना, ऐसे कैसे गए ऐसे जाए। अच्छा पहले ही थोड़ा देख लेते इतना आया था भैया, उसके बाद तो वही है। अच्छा अच्छा लो, हम इधर बोल रहे थे, वो मेन उधर है। चलो आगे। तो ये है सारनाथ, और सारनाथ में मेन जो है, जो रुइंस है, वो बिल्कुल उस साइड कोने में है। बगल में म्यूजियम है, और ये सामने पार्किंग के जस्ट सामने, जो यहाँ का मेन पार्किंग है उसके जस्ट सामने ये उन्होंने गार्डन बनाया है। अभी न्यू टेम्पल बनाया है बुद्ध भगवान का। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, ये बस भी पार्किंग था, हम लोग चल रहे हैं यहाँ से म्यूजियम की साइड। कितने का है ये सर, ये वाला कितने का है? 100 रुपये का, 100 में एक। और ये वाला, ये 100 में तीन है, वाला ये 100 में तीन है, ये वाला वो वाला 80 का एक ट्रिपल चैन है, सिंगल चैन 100 में। ये 100 का है यहाँ पे, वहाँ भी वैसा। चलो ठीक है, ठीक नहीं। देखिए बुद्ध भगवान का नारियल पानी पिए गए, नारियल पानी हो जाए सही रहता थोड़ा। कहाँ है? 50 पानी 50 का ना, ऑनलाइन हो जाता है बस, बढ़िया। और एक संतरा पीजिएगा। हाँ हम ये पिएंगे, तुम मत पियो ये पानी वाला। जो मेन है बुद्ध भगवान वाला किधर है? मेन जो है बुद्ध भगवान का आगे। कितना आगे? ज़्यादा नहीं, 100 मीटर पे। पैदल चल के आएंगे ना, इस जहाँ बस घुस रहा उसी रास्ते में। वो नया पार्क बना था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम, यहाँ पे है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्कैन और भुगतान पूछ लेते पहले। भैया मेन जो सारनाथ वो किधर है घूमने वाला जो? तो अब यहाँ से गार्डन घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े, ये मंदिर घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े एक्चुअल जो रुइंस है, जो म्यूजियम है उसकी ओर। वो यहाँ से जस्ट बगल में ही था वॉकिंग डिस्टेंस से। गार्ड भैया ने हमें बताया कि पीछे आपकी म्यूजियम था और ये रुइंस है सारनाथ का, और उन्होंने बताया कि अगर आपको टिकट लेना है तो ये QR कोड स्कैन कर लो। QR कोड स्कैन करके जितने लोगों के लिए आप टिकट लेना चाहते हो UPI के थ्रू पेमेंट करके टिकट ले सकते हो। तो हमें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। ऑल्दो स्टार्टिंग में लगा कि कहीं ये टेक्नोलॉजी ने लोगों की जॉब तो नहीं खा लिया, क्योंकि जॉब काउंटर नहीं था, आप सीधे आप ऑनलाइन करके टिकट ले सकते थे। बट बेस्ट पार्ट यहाँ का ये था कि एक तो रियल टाइम डेटा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आप जब टिकट ले रहे हो भैया स्कैन कर रहे हैं तो
1500 कितने लोग आए कितने लोग गए, जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। जो बुरी बात ये थी कि वहां पे टिकट काउंटर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जॉब चली गई, क्योंकि टिकट काउंटर ना होने के बावजूद वहां पे लोग थे जो टिकट चेक कर रहे थे, अंदर में भी गार्ड भैया के अलावा लोग थे, तो उन्होंने नौकरियां बिल्कुल अभी तो एटलीस्ट अभी तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तो एलिमिनेट नहीं किए हैं पूरी तरह से, और शायद उन्हें फिर भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो टिकट को चेक करें, लोगों को व्यवस्थित रूप से अंदर जाने में मदद करें। फिर हम लोग अंदर गए, आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत है ये सारनाथ, यहाँ पे काफ़ी मनमोहक काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के। कई देशों के लोग आए हुए थाईलैंड से और अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया से लोग थे ऐसा लगा हमें। राजी का स्तूप वॉज बिल्ट बाई शोका टू इन श्राइन द रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। सो बेसिकली अशोका ने बिल्ड करवाया था, ठीक है देख लो, इसको इन्फॉर्मेशन के लिए स्कैन कर लो पता चल जाएगा। ये जो है ये ना अशोका ने बनवाया था, आज उसका खंडर अशोका खैर काफी टाइम का था, ये देखिए ईंट उस टाइम का है। तो अंडरग्राउंड होगा जाने का, तो ऊपर का पार्ट होगा ना, कि ऐसे ही है? आई थिंक ऐसे ही है रुइंस। वो देखिए अशोका ने बनाया था, क्या था? हो सकता है वो टूट टाट गया बहुत सारा, यहाँ पे शायद बुद्ध लोग योगा करते होंगे, या मतलब साधना, नॉट योगा बट साधना करते होंगे, मेडिटेशन। ठीक है आइए शाद। हाँ वो मे बी स्विच होगा नीचे है ना, और वो मॉडल यहाँ पे है ना, लिखे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जरूरत क्या किसी का, सब ज्ञान दिया हुआ है ASI द्वारा। दिस मोनोलिथिक रेलिंग मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है, विच वॉज देख लो ये, विच वॉज डिस्कवर्ड बाई मिस्टर ओर्टेल ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन द ईयर 1906, उसने 1904 में इसको खोजा था। इस साइड देखो, ये देखो अशोकन स्क्रिप्चर, जंगल कहाँ है चलो, ये देखो ये अशोकन स्क्रिप्चर भाषा उस टाइम का, अशोका के टाइम का, कौन सा था पता है ना, इसे देखते हुए चलेंगे ना कम से कम। बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा बहुत ही शांत पार्क था, यहाँ पे मेडिटेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते थे, हमने देखा कि बहुत सारे जो टूरिस्ट आए थे वो यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, और हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस चीज़ का है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हर जगह मेंशन कर रखा है कि ये किसने किस टाइम पे बनवाया था। राइट लिख दिए, इस पर बना हुआ है आर्किटेक्चर, इसमें है नक्काशी किया हुआ, सुंदर उस टाइम पे ऐसे ऐसे बनाना लाइक अपने आप में बहुत। अरे ये क्या है, गजब गजब, अरे तो भीख मांगने का ये अलग सिस्टम है भाई। बनारस में फॉरनर यहाँ पे पीछे इन्होंने डियर पाल रखे, हिरन पाल करके रखे हैं, डोंट नो किस लिए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत है, बहुत अच्छा है, बहुत मनमोहक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे आप आइए बैठिए, अलग आनंद आता है। पहले सब रहता होगा ना, रूम होगा, रूम में जाने का रास्ता है ना, ऊपर देखो तुम बोल रहे ना ऊपर नहीं है, ऊपर देखो ऐसे ही होगा पत्थर जो लगा हुआ है ना, धर्म चक्र जीना विहार, देखो ना विहार है ना,
According to description, stone slab found during the excavation site, this imposing monastery was donated by Kumar Devi, the Buddhist queen of the. उन्होंने दिया होगा उन एक 1114 से 100 में इतना पुराना तब दिया था सोचो. पीला पीला क्या लगा दिया आपने. उसके बाद हम यहाँ से निकले और निकलकर हम म्यूजियम गए. ये म्यूजियम है. म्यूजियम में हालांकि कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए आगे मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको, बट बहुत अच्छा था. अंदर म्यूजियम में ही अशोका स्तंभ रखा हुआ है, वो पिलर रखे हुए हैं और अलग अलग रुइन से लिखा भी है 7वीं शताब्दी का, 7th century का भाई ये आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चर. जो उस टाइम पे जो हथियार वो यूज करते थे, अलग अलग चीजें रखी हुई है. काफी अच्छा था, काफी खूबसूरत था, काफी मजा आया हमें. आप आइए बनारस आते हैं तो मंदिर घूमिए, सारनाथ आइए, फुल ऑन एंजॉय कीजिए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गडोलिया चौक पे, ले चलेंगे आपको और वहां पे हमने यही खाना खाया था वो दिखाते हैं आप. तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.